चाहिए। धन्यवाद। अब मैं श्री बसंत जी से निवेदन करती हूं कि गणेश स्तुति प्रस्तुत करें। अपोलो लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो हम लोगों ने अपना पहला पेशेंट यहां से डिस्चार्ज कर दिया है, वो पेशेंट भी हम लोगों ने आज बुलवाया हुआ है। डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी जो कि अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, 70 हॉस्पिटल हैं, 70 प्लस हॉस्पिटल्स और आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर, इन्हीं के विजन के आगे हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील गट्टानी, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है इनकी, लेकिन ये अस्पताल उन्हीं का बनाया हुआ है लखनऊ में, फर्स्ट प्राइवेट हेल्थ केयर पहले उन्होंने ही चालू किया था
और उसके उपरांत अपोलो मेडिक्स में भी वो यहाँ पे उन्होंने ये सब चालू किया। नीड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, क्या जरूरत है लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की? हर 1,00,000 पॉपुलेशन पे 19 से 21 लोगों की डेथ हो जाती है केवल लिवर ना मिलने पे, लिवर ट्रांसप्लांट ना होने पे। ऐसी सिचुएशन में 20,000 लोगों की जरूरत होती, 20,000 लोगों को जरूरत पड़ती है लिवर ट्रांसप्लांट हर साल, लेकिन होते कितने हैं? केवल 1200 से 1500, और यानी कि केवल 10% के आसपास। अब ऐसी स्थिति में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में होते हैं वो भी केवल 2%, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सेंटर्स की। अभी तक हिंदुस्तान में 25 से 30 एक्टिव लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स हैं, और काफ़ी इसमें रीजनल इम्बैलेंस है। ज़्यादातर मेट्रो में ही इस तरह के लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से ये एक अच्छी शुरुआत है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में हुई है। लिवर ट्रांसप्लांट कई तरीके के होते हैं, यानी कि लिविंग डोनर, यानी कि कोई अपना ही जो मैच करता हो, कोई रिलेटिव, वो अपना आधा लिवर दे दे, और या फिर कैडेवर लिवर, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाए और 24 घंटे के अंदर हम लोग अगर वो लिवर निकाल के किसी और को जिसको ज़रूरत है उसको दे दें। और बाकी कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि अचानक से हो जाती हैं शॉर्ट पीरियड में, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि बहुत लंबे समय से चल रही हैं। बच्चों बड़ों का अलग अलग तरह का लिवर ट्रांसप्लांट रहता है। कॉमन जो कॉजेज़ हैं, जो कारण हैं, वो है अल्कोहल अब्यूज़, शराब की ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, या हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन, या कोई पारिवारिक जो फैमिली हिस्ट्री होती है लिवर डिजीज़ की, या फिर टॉक्सिन्स केमिकल्स की वजह से। लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हर जगह क्यों नहीं हो पाता है, उसका क्या कारण है कि एडवांस्ड क्लिनिकल बहुत ज़्यादा आधुनिक उसमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, या और बहुत वर्कअप चाहिए रहता है, ढंग से वर्कअप हो मरीजों का। 12 से 16 घंटे की सर्जरी होती है और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और कई क्लिनिशियंस, यानी कि जैसे हम लोगों की भी टीम में कम से कम 15-16 लोगों की ज़रूरत थी तब जाके एक लिवर ट्रांसप्लांट होता है, और इन्फेक्शन कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रहता है। तो ये सारा का सारा एक बहुत बड़ी टीम का काम होता है, जो कि बहुत अच्छे स्किल सेट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हर जगह लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। ये क्विकली मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक ये लिविंग डोनर, यानी कि कोई आपसी रिलेटिव जो है किसी को देता है, तो उसका दाएं हिस्से का लिवर निकाल के और रेसिपिएंट, यानी कि जिसको दिया जाना है उसमें वो लगा दिया जाता है, और उसके उपरांत जो डोनर होता है उसका लिवर फिर वापस बड़ा हो जाता है और इस तरह का आकार ले लेता है, और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये जैसे कि कैडेवर लिवर, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो, ब्रेन डेड हो, और वो उसको 24 घंटे के अंदर उसका लिवर निकाल लिया जाए, तो उसका पूरा का पूरा लिवर निकाल के जिसको ज़रूरत होती है उसको पूरा लिवर लगा दिया जाता है। अपोलो मेडिक्स में लिवर ट्रांसप्लांट इन प्राइवेट हेल्थ केयर पहली बार, एंड इट इज सक्सेसफुल। अपोलो मेडिक्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, जिसके लिए आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से विनती करी है कि इसको और प्रोत्साहन मिले, उसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50 किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, 1 सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट, और मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट से हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द हार्ट, लंग, कॉर्निया, बोन मैरो और कैडेवर ट्रांसप्लांट की भी अनुमति मिल जाएगी, और हम लोग वो भी करेंगे। मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर देना चाहता था सुनीता रेड्डी जी, जो हमारी चेयरमैन हैं, डॉक्टर अनुपम सिब्बल जो कि हमारे ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं, और नीरव गोयल जो हमारे सीनियर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। तीनों लोग अपनी अपनी जगह से, दिल्ली और चेन्नई से हम लोगों के साथ हैं, और दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी और बहुत खुश हैं कि CM साहब हमारे साथ और इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। Thank you, ma'am. Namaste to the Chief Minister from Chennai on behalf of the Apollo Hospitals Group. Thank you. Thank you very much for your support. Thank you.
एंड ये हमारी अपोलो मेडिक्स की लिवर ट्रांसप्लांट टीम, अगर इसमें आप लोग देखें तो बीच में जो दो लोग बैठे हुए हैं, एक मरीज है जिसने मास्क लगाया हुआ है और एक उनका डोनर जो कि एक पीले शर्ट में है, और ये एक बहुत बड़ी टीम है हम लोगों की जिसने ये सब किया है और एक बहुत सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर मयंक। आशीर्वाद बड़ों का हो संग जिसके, उसे किसी बात का नहीं रहता डर। ईश्वर भी खुद आकर कहता है उससे, अब मैं तेरे संग हूँ, चाहे किसी भी बाधा से तू गुजर। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगी कि वो लिवर ट्रांसप्लांट के लाभार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगी कि वो प्रत्यारोपण केंद्र यानी ट्रांसप्लांट यूनिट के पटल का विमोचन करें, और मैं आशा करती हूं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वचनों के बिना हम अधूरे हैं, इसीलिए अब मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो हम सबको एवं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर मयंक सोमानी जी, निदेशक मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अजय कुमार जी, निदेशक अपोलो मेडिक्स डॉक्टर गोविंद पांडे जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और पत्रकार मित्रों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार लीवर ट्रांसप्लांट का सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं इसके लिए अपोलो मेडिक्स को हृदय से बधाई देता हूं। और आज एक साथ यहां पर अपोलो मेडिक्स की ओर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कार्यक्रम को एक नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम सब एकजुट हुए हैं। इसके लिए अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल और इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से
बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत को जान सकते हैं और खासतौर पर पिछले एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान तो सबने इस चीज का एहसास किया भी होगा। वास्तव में एक सामान्य दिनचर्या के रूप में नियमित और संयमित दिनचर्या और जीवन व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग रखता है। आरोग्यता प्राप्त करने का एक सबसे सहज और सरल उपाय है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर के हम उन सभी नियमों का पालन करें जो बचाव के लिए आवश्यक हैं, तो भी हम लोग काफी हद तक निरोग रह सकते हैं, आरोग्यता हमारे पास सुरक्षित रह सकता है। लेकिन उस सबके बावजूद मनुष्य एक जगह में नहीं रहेगा, उसको अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए अपनी सामाजिक गतिविधियों के कारण अपने पारिवारिक कार्यों के कारण विभिन्न प्रकार की सम विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, या फिर बीमारी के कारण जो है हमारे शास्त्रों में अनेक बताए गए हैं, व्यक्ति की दिनचर्या, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, माँ बाप की परंपरा से चले आ रही तमाम प्रकार की ऐसी भी जेनेटिक बीमारियां हैं जो उसको वंशानुगत परंपरा से प्राप्त होती हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। उन सब के साथ अगर हमारा मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़ेगा तो हम पिछड़ जाएंगे, और हमें प्रसन्नता है कि मेडिकल साइंस ने आज काफी प्रगति की है, लेजर सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी तक आज बहुत एडवांस स्टेज में आ चुका है। कभी क्या कोई कल्पना करता था कि बाईपास सर्जरी होगी, आज तो बाईपास सर्जरी ऐसे मान लिया जाता है जैसे एक जनरल सर्जरी हो। इस सब के बावजूद हमारा जो NCR रीजन है वहां पे ये सभी चीजें चलती थी, इस प्रकार के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े प्रदेश आबादी के हिसाब से 24 करोड़ की आबादी जिस प्रदेश में हो उसकी राजधानी में इस प्रकार की सुविधा आवश्यक थी, जहां पर लीवर है, लीवर, किडनी, लंग्स, इनका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो सके, और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर अपोलो मेडिक्स के द्वारा लखनऊ वासियों को और प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराया गया है। ये है कि जब प्रारंभ में कोई भी चीज आती है, याद करिए जब मोबाइल फोन आया था उसकी एक कॉल की कीमत, इनकमिंग की कीमत ही 16 रुपये थी, बहुत महंगा पड़ता था। आज 20-22 वर्ष के बाद उस मोबाइल फोन की इनकमिंग की कोई कीमत नहीं है, और जो हम कॉल भी करते हैं उसकी कीमत भी ना के बराबर है। समाज की मांग और आपूर्ति का नियम तो इस पे लागू होगा ही, लेकिन सरकार भी आज आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है कि हर जरूरतमंद को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो,
स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथनिंग की जाए, गरीब लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाए। अकेले प्रदेश में हम लोग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। इस सब के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति को इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति के पास और उसे आवश्यक सेवाएं चाहिए तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से और पीएम रिलीफ फंड से भी उसे अलग से मदद मिलती है। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं राज्य सरकार के, पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के, इसमें फ्री में उपचार की सुविधा है। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2016 से 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 2 संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर रहे हैं। 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रहे हैं, जिनमें 7 में तो हमने विगत वर्ष ही MBBS की क्लासेस प्रारंभ की है, 8 में इस वर्ष हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, शेष 15 में हमारा प्रयास होगा कि अगले सत्र में हम लोग उसमें भी MBBS की क्लासेस प्रारंभ कर सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये बेहतर करने का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना इंप्रूव कर पाएंगे, कोरोना ने बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मजबूर भी किया और जानने के लिए मजबूर भी किया, खासतौर पर एक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है रोग से। रोग से बचने के लिए बचाव उसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर रोग आ ही गया तो भागना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, सावधानी पूर्वक मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए उसका जो प्रोटोकॉल होगा उसका पालन करना है, उसको कड़ाई से उसको लागू करना। जब कोविड का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तो हम लोगों को उसके उपचार के लिए उसे दिल्ली भेजना पड़ा था मार्च 2020 में। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कोविड की आज के दिन पर प्रदेश के अंदर करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। 0 से 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन। हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 3 कैटेगरी के बेड्स तैयार किए थे। 1.5 लाख बेड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में तैयार किए। जब कोविड के संक्रमण के केसेस प्रदेश के अंदर आने लग गए तो उस समय हमारे 36 जनपद ऐसे थे प्रदेश के जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं थे, एक भी आईसीयू बेड नहीं था, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आईसीयू भी बनाए हैं, आईसीयू बेड्स भी उपलब्ध कराए हैं, वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए हैं, और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन सबके सामने एक बेहतरीन उदाहरण के सामने आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी की अपनी महत्व है, टेक्नोलॉजी के प्रति हम सबको आग्रही बनाने के लिए कोविड ने एक अवसर दिया। स्वाभाविक रूप से हेल्थ सेक्टर को भी इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इसके बहुत अच्छे परिणाम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने आईसीयू बेड तो बढ़ा दिए, मैन पावर की भी ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रारंभ की, मास्टर ट्रेनर यहां बुलाए, फिर उनके माध्यम से जिलों के अंदर ट्रेनिंग प्रारंभ कराई, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा होती थी। तो मैंने यहीं से उसी दौरान कहा कि वे वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ करिए, जो टीम यहां से ट्रेनिंग ली है वह तो रहेगी जिले के अंदर, लेकिन साथ साथ हर दिन 5 बजे से 6 बजे तक SGPGI, KGMU और RML के विशेषज्ञ उस वर्चुअल आईसीयू के साथ जुड़ेंगे और वह वहां पर क्या समस्या आ रही है, किस जिले में
उस सुविधा को वहां पर देंगे। टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन आज के दिन पर बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है और उसको उस रिमोट एरिया तक पहुंचाने, जहां के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पे भी कोई सुविधा मिल पाएगी, आज सभी सुविधाएं वहां प्राप्त हो रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज के दिन पर हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ये केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये निवेश चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर से, जिस भी स्तर पर हो, ये निवेश जनहित में है, लोकहित में है। इसको हम तात्कालिक रूप से न देखें कि इसमें कितना पैसा लग रहा है या इसमें एक व्यक्ति के ट्रांसप्लांट में इतना पैसा लग रहा है, लेकिन ये एक नई संभावना है, बहुत सारे लोगों के लिए जीवन की एक नई आशा है। और इस नई आशा के लिए अपोलो मेडिक्स को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, डॉक्टर मयंक सोमानी और उनकी पूरी टीम को। डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने प्रदेश के अंदर अपोलो हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी की। देश के अंदर हेल्थ टूरिज्म यानी टूरिज्म अब स्पिरिचुअल और इको या हेरिटेज का ही नहीं होगा, दुनिया के अंदर अगर आज भी आप देखेंगे तो भारत के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में, बड़े विकसित देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। तो हेल्थ टूरिज्म के उस स्पेस को उन्होंने आज से लगभग 30 साल 40 साल पहले उन्होंने उसको देख लिया था, समझ लिया था, और उस कालखंड में जिन संभावनाओं को उन्होंने 1990 के दशक में दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना भी की, या चेन्नई में या हैदराबाद में या देश के अन्य क्षेत्रों में जो श्रृंखला खड़ी की, आज आप देख रहे होंगे कि हेल्थ सेक्टर में भी बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं। ये निवेश लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ ढेर सारी रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। मैं इस अवसर पर पूरे अपोलो परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए अपोलो मेडिक्स के द्वारा आज यहाँ पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यूनिट प्रारंभ की गई है, मुझे विश्वास है कि प्रदेश के लिए यह लाभकारी होगा ही, प्रदेश के इस सेक्टर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी और हम प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा और उन जरूरतमंदों को जिनको कोई भी इस प्रकार की आवश्यकता हो उन्हें इस सुविधा को और सहज सरल तरीके से उपलब्ध कराने में मददगार हो पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं श्री आरपी गट्टानी जी एवं श्री एमपी सोमानी जी से निवेदन करती हूं कि वो यहां आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर अजय कुमार से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर सभी को धन्यवाद करें। डॉक्टर अजय कुमार प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्री गोविंद पांडे जी, उपस्थित गुरुजन, महानुभाव एवं मीडिया बंधु, नमस्कार। यह हमारे प्रदेश एवं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमने क्षेत्र का पहला सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट किया है।
मैं सुश्री सुनीता रेड्डी जी, डॉक्टर सुशील गटानी जी एवं समस्त अपोलो परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति और प्रेरणादायक शब्द हमको आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अपोलो मेडिक्स चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता रहेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। मैं अपोलो परिवार की तरफ से श्रीमती स्वाति सिंह जी और श्री गोविंद पांडे जी को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी प्रतिष्ठित उपस्थिति ने इस आयोजन को और यादगार बना दिया। मैं उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मीडिया बंधुओं का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत जल्द हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हम ऐसा करें तो आपका आशीर्वाद और आपकी उपस्थिति हम लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.